गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रिवाइज द वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट ऑफ क्लास टू सो वी आर गोइंग टू रिवाइज फर्स्ट डिकटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज चैप्टर नंबर वन द नेम ऑफ द चैप्टर इज फन विद फ्रेंड तो सबसे पहले हमने क्या रिवाइज करना है डिकटेशन वर्ड्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक्स एंड स्टार्ट रिवाइजिंग दीज डिक्टेशन वर्ड्स ठीक है नंबर वन नेबरहुड एन ई आई जी एच बी ओ आर एच डबल ओ डी नेबरहुड इसका मीनिंग क्या होता है अड़ोस पड़ोस जो हमारे घर के आसपास जितने लोगों के घर होते हैं जिनको हम जो जो हमारे घर के पास ही होते हैं जिनको हम पड़ोसी भी बोलते हैं लेकिन उनके जो घर होते हैं ठीक है जो जगह होती है हमारे घर के आसपास उसको हम बोलते हैं नेबरहुड ठीक है अड़ोस पड़ोस नंबर टू प्ले ग्राउंड पी एल ए वाई जी आर ओ यू एन डी प्ले ग्राउंड खेलने वाली जगह इसको हम हिंदी में बोलते हैं खेलने वाली जगह जहाँ पे आप आराम से खेल सकते हो ठीक है जैसे आपके स्कूल में भी है ना हमारे स्कूल में है ना एक अच्छी सी प्ले ग्राउंड बड़ी वाली भी है छोटी वाली भी है ओके सो प्ले ग्राउंड उसको बोलते हैं जहाँ पे हम खेलते हैं नंबर थ्री फ्रेंड्स एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स फ्रेंड्स का मीनिंग होता है दोस्त जैसे आपके घर घर के आसपास जितने आपके फ्रेंड्स रहते हैं मतलब दोस्त हैं या स्कूल के पे अलग अलग से दोस्त हैं ठीक है उसको हम दोस्तों को इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलते हैं आगे हैं नंबर फोर पे चिल्ड्रन सी एच आई एल डी आर ई -E एन चिल्ड्रन मतलब बच्चे इनको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चे ठीक है स्टूडेंट्स होप आप भी अपनी साइड बाय साइड डिवीजन कर रहे हो मेरे साथ चलो लेट्स मूव नंबर फाइव स्लाइड एस एल आई डी ई स्लाइड होता है एक तरह से जो झूला होता है जिसके ऊपर हम बैठ के नीचे फिसल के आते हैं आपके स्कूल में भी लगा हुआ है ना बहुत सुंदर है वो कहीं आप पार्क में भी जाते हो वहाँ पर भी लगा होता है हमने चैप्टर में भी पढ़ा है ठीक है तो स्लाइड होता है झूला सिक्स नंबर क्वर्ल क्यू यू ए डबल आर ई एल क्वर्ल इसका मीनिंग होता है फाइट मीन्स लड़ाई करना ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स हमें फाइट नहीं करनी चाहिए दिस इज अ बैड मैनर ओके डोंट फाइट सो सिक्स नंबर पे है क्वर्ल सेवन नंबर रिप्लाई आर ई पी एल वाई रिप्लाई मीन्स आंसर आंसर देना स्टूडेंट्स मैं जब आपको क्लास में पूछती हूँ कोई क्वेश्चन आप आंसर देते हो ना तो उसको बोलते हैं रिप्लाई करना मीन्स आंसर देना नेक्स्ट है फैमिली एफ ए एम आई एल वाई फैमिली मीन्स परिवार ठीक है एट नंबर पे है फैमिली आई होप अभी साइड बाय साइड अपने ये वाला पार्ट आपने रिवाइज किया होगा नाउ लेट्स मूव टू द नदर पार्ट वर्ड मीनिंग सेम चैप्टर है बेटा चैप्टर वन फन विद फ्रेंड्स उसके वर्ड मीनिंग रिवाइज करने लगे हम ठीक है लेट्स स्टार्ट नंबर वन नेबरहुड अभी मैंने आपको बताया है नेबरहुड क्या होता है हमारे घर के आसपास जितनी जगह होती है प्लेसेस अराउंड अ हाउस ठीक है घर के आसपास जितनी भी जगह होती है उसको हम बोलते हैं नेबरहुड ओके टू नंबर क्वर्ल इसको हम बोलते हैं फाइट अभी मैंने अब भी बताया आपको लड़ाई करना ठीक है क्वर्ल्ड का मतलब लड़ाई करना फाइट ये है इसका मीनिंग वर्ड मीनिंग ये है इसका फाइट सो देर आर ओनली टू वर्ड मीनिंग्स ये आप अच्छे से एक बार और रिविजन करेंगे साइड बाय साइड वीडियो देख के ठीक है आगे है हमारे मेक सेंटेंसेस चैप्टर वन सेम चैप्टर है बेटा चैप्टर वन फन विद फ्रेंड्स और उसके हम क्या रिविजन करने लगे क्या रिवाइज करने लगे हैं मेक सेंटेंसेस सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे क्या है देख लेते हैं प्ले ग्राउंड स्टूडेंट्स प्ले ग्राउंड का देखते हैं हमने क्या बनाया था चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड बच्चे प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं प्लेइंग होता है खेलना यहाँ पे हमने आर इसलिए लगाया क्योंकि चिल्ड्रन मतलब ज्यादा बच्चे हैं अगर वन होगा तो इज लगाएंगे ओके okay? तो हमने प्ले ग्राउंड का बनाया है चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड टू नंबर फैमिली परिवार क्या बनाया हमने आई लव माई फैमिली मुझे अपने परिवार से प्यार है स्टूडेंट्स ये सेंटेंसेस का फर्स्ट लेटर जो है आपने कैपिटल डालना है और एंड पे आपने फुल स्टॉप लेकिन ये वर्ड्स जो है इनका आपने फर्स्ट लेटर स्मॉल ही डालना है दिस यू हैव टू रिमेंबर तो क्या बनाया हमने सेकंड का आई लव माय फैमिली नेक्स्ट है थ्री नंबर पे फ्रेंड दोस्त रोहन इज माय फ्रेंड रोहन मेरा फ्रेंड है माइन्स मेरा दोस्त है ओके फोर नंबर नेबर्स नेबर्स क्या होता है पड़ोसी जैसे हमारे घर के पास जिनका घर होगा ठीक है तो वो हमारे पड़ोसी होते हैं क्या बनाया था हमने सेंटेंस लेसी, हरीश एंड सैम आर नेबर्स हरीश और सैम दोनों पड़ोसी हैं मीन्स उनका घर आसपास होगा ना तो इसलिए फाइव नंबर पे है क्वर्ल इसका मीनिंग होता है फाइट लड़ाई करना आई नेवर क्वर्ल विद माई ब्रदर मैं अपने भाई के साथ कभी फाइट नहीं करता नेवर होता है कभी नहीं ओके सो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये वाले तीनों पार्ट मेरे साथ साथ रिवीजन किया होगा रिवाइज किया होगा तो आप एक बार और से वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके देखना दोबारा से रिविजन करना अच्छे से टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्टूडेंट्स